पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक ते बाबा मच्छरदास लाल जी अपने 360 चेलों की जमात के साथ उत्तर प्रदेश के गुरु गोरखपुर शहर के अंदर उन चेलों को लेकर प्रवेश करते हैं और उसके अंदर अलग जगाते हैं और जाकर प्रत्येक घर के अंदर सभी को अपनी माता और बहन समझते हैं और कैसे गांव के अंदर अलग जगा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। बड़ा प्यारा भजन है, आएगा फरमाइशी भजन आपके बीच में। वो एक योगी अलख जगावरी माई वो भिक्षा दे घा, एक योगी अलख जगावरी माई भिक्षा दे गाल। कैसे अलख जगा रहे हैं वो एक योगी अलख जगावे माई भिक्षा दे गाल।
करके जब अलग जगा रहे थे, और ऐसे में एक बड़ी सुंदर स्त्री बाहर निकल कर आती है और महाराज कहते कि हे माई की बेटी, अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मुझे तीन जो मेरे 307 चेले हैं इनको भोजन आपने करवाना पड़ेगा। फिर आप जो आपके मन के अंदर मुराद है, जो भी आप मांगेंगे वो पूरी होगी। 307 चेलों को जब भोजन करवाया गया और उस स्त्री की मनोकामना पूछी गई तो बोली, महाराज वैसे तो सब कह के भंडारे बड़े हैं, अंदन के बहुत बढ़िया महल है, अच्छे नौकर चाकर हैं, लेकिन एक बात की कमी है। हर कुल की बेल चला दे ओ पापा मानु एहसान, हर कुल की बेल चला दे ओ पापा मानु एहसान, हर कुल की बेल चला दे ओ शत्रु होगा एहसान, हर कुल की बेल चला दे ओ शत्रु होगा एहसान। क्या बात है, सब कुछ बड़ा बड़ा जाकर देख, मने जरूरत है इस महल के अंदर एक किलकारे की। कहने लगी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी बाबा कर्म की मारी, मैं दुखियारी बाबा कर्म की मारी, आज कहे मन दुनिया सारी, दुनिया सारी, उस स्त्री को भभूति के रूप में वरदान दे देते हैं और वो भभूति ले जाके नुका करें लुगाई, ये समझाई ना मान्या करती, भुकाई बहुत जल्दी मान्या करे। जब लेगी भभूति दो चार लुगाई तब बताए बाबा जी ने भभूति के रूप में वरदान दिया है, ए मैं भी मां बनूंगी, 9 महीने बाद मेरा भी लाल होगा। दो चार लुगाई ने सुनी नुका लगे बावली क्या के लाल खला था वो, ईशा लाल खिलाड़िया होंदा तो वो बाबा क्यों बने होंदा है, वो मैं लावनी बैठता बावली, वो क्यों बाबा बनता, कुछ
तेरे कोई वरदान प्रदान नहीं दे गया, ए वो तो तारे घर में टूना करके गया है, वो तो ऐसा भूत बाढ़ गया तारे वीर मरद के संबंध भी खत्म हो जाएंगे, रोज थारा कले समाज जगह बगाया इस भूति ने जाके जाके उस कुड़ी पे फेंकाती है, उस नौ कुड़ी के लाल को, उस नौ रतन को, उस अनमोल खजाने को उस कुड़ी पे फेंकाती है, और कुड़ी के अंदर ही वो जन्म लेता है गुरु गोरखनाथ जी। जब उसको एक साल अपनी माँ का इंतजार करती हुई, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, दस साल, बारह साल बीत जाते हैं, और तब उधर से माँ गुजरती है और गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी को आवाज दे रहे हैं, गुरु जी मने, गुरु जी मने, गुरु जी मने मारे काट ले देती है। जब माँ उधर से गुजरती है, माँ को आवाज देता है तो अंदर से आत्मा छलक जाती है, कहने लगी सुनिएगा, सुनिया करो भाई, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, जब मैं तेरे लाड लगाऊं